गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से इसके करीब बने चक्रेश्वर मंदिर का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया है। इस मंदिर के पास से बहती ब्रह्मपुत्र नदी में एक स्तंभ लगा है जो बाढ़ के जलस्तर को बताने के लिए है। इस स्तंभ के ऊपर भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जिसमें वे शेषनाग की शैया पर विराजमान है। मूर्ति में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी भी बैठी हैं जो भगवान के पैर दबा रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी भगवान की मूर्ति को छूकर बह रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। ऐसा नजारा तभी दिखता है जब ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, नदी का पानी हमेशा भगवान विष्णु की मूर्ति के गले के नीचे ही रहेगा। 500 दिन हो गया है, बहुत पानी भरा है। पानी भरना यह है जो भगवान विष्णु का जो भी पानी भरेगा ना, भगवान विष्णु का गला से ऊपर कभी नहीं पानी आएगा। यह भगवान का विशाज है, यह भगवान का शक्ति है, यह पानी कभी नहीं भरेगा। चक्रेश्वर मंदिर असम के प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मशहूर कामाख्या मंदिर से महज 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, लेकिन मुख्य मंदिर में सिर्फ एक विशाल शिला की पूजा होती है। हालांकि इस मंदिर के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत पुराना है, मैं इसी के बगल में रहता हूँ, ये मेरा घर है और इसके भगत भी बहुत हैं, परंतु इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है अभी तक। पूरी जानकारी होने से यहाँ पर शायद इतनी भीड़ होती कि बड़े बड़े मंदिर में नहीं होती। बहुत अच्छे जगह में है वो, मतलब इस सामने वो ब्रह्मपुत्र नदी है और जगह भी बहुत अच्छा है। और मतलब हाँ, एक है मतलब लोग थोड़ा कम आते हैं और लोग इतना जानते भी नहीं इस मंदिर के बारे में। मंदिर के पुजारी को भरोसा है कि जल्द ही ब्रह्मपुत्र नदी में उफान थम जाएगा। असम के आधे से ज्यादा जिले ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ के पानी में डूबे हैं। राज्य के 4 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं।